वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने कमर दर्द या पीठ दर्द की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप इस समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी कमर में या पीठ में दर्द रहता है, तरह तरह की मेडिसिन आप खा चुके हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा होने में नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से आप अपने कमर दर्द की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे ज़रूर दबा दें और पास वाले इस घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें ताकि जो लोग आपकी तरह परेशान हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आंवला पाउडर। आपको आधा चम्मच की मात्रा में आंवला पाउडर ले लेना है और आंवला पाउडर लेने के बाद दोस्तों आपको इसमें मिलाना होगा एक चम्मच शहद। दोस्तों याद रखें, आप जब इस नुस्खे का इस्तेमाल करें तो इसे इस्तेमाल करते समय कोई भी खट्टी चीज़ों का या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा गर्म हो, ऐसी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। आप तिल का अगर इस्तेमाल करेंगे, तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आपको गर्मी नहीं होती है या पेशाब में जलन की समस्या नहीं है, तथा अगर आपको गर्मी की समस्या रहती है तो ऐसे में तिल का इस्तेमाल ना करें, तब आप आंवला पाउडर में शहद मिलाकर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आंवला और शहद का मिश्रण जो तैयार हुआ है। अब इसका जो उपयोग करने का सही तरीका है वो ये है कि आप सोते समय जब आप सोने के लिए जाएं तब इसका इतनी मात्रा में आप इस्तेमाल करें और सुबह खाली पेट आप इतनी ही मात्रा में इस्तेमाल करें, जिससे दोस्तों 8 दिन के अंदर कैसा भी आपका कमर दर्द की समस्या हो या फिर जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, दोस्तों पीठ में भी दर्द हो, वो आपका जड़ से ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।